स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन। व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड हाउ टू डिराइव इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग जो भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो साइनोसाइडल वोल्टेज रहता है, मतलब कि V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। उसके कारण ट्रांसफार्मर की कोर में जो फ्लक्स जनरेट होता है वो भी साइनोसाइडल होता है, मतलब फाइ इज इक्वल टू फाइव एम साइन ओमेगा टी। हमारा जो फ्लक्स होता है वो साइनोसाइडल रहता है, और जो फ्लक्स की वेव फॉर्म यदि हम बनाए तो इस प्रकार से साइन वेव हमको मिलती है। हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस में टाइम लिया है, और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने टाइम लिया है और वाई एक्सिस में हम लोगों ने फ्लक्स लिया है। ओके, और ये हमको साइन वेव अटेन हुई है। यहां पर एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टी। तो हाफ साइकिल में कितना टाइम लगा, टी बाय टू। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने में इस वेव को कितना टाइम लग रहा है, टी बाय फोर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फाइव एम। ओके, तो हम लोग पहले कुछ अज्यूम्शंस कर लें कि हमारा इस ईएमएफ इक्वेशन में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले फाइव एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, जिसकी यूनिट होती है वेबर। उसके बाद हमने माना एफ विच इज फ्रीक्वेंसी, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। आफ्टर दैट वी आर अज्यूमिंग एन वन एज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एन टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। एज वी नो अकॉर्डिंग टू दिस वेव फॉर्म द फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम जीरो टू फाइव एम इन टाइम जीरो टू टी बाय फोर। दैट इज फर्स्ट कंडीशन इज टाइम इज जीरो, फ्लक्स इज जीरो, एंड सेकेंड कंडीशन इज टाइम इज टी बाय फोर एंड फ्लक्स इज फाइव एम, विच आई हैज रिटन हियर फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम जीरो टू फाइव एम इन टाइम जीरो टू टी बाय फोर। ओके, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ वी नो दैट एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन टर्न इज इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी। क्लियर, दैट इज चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम। क्लियर, दैट मीन्स एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन टर्न इक्वल्स डी फाइव बाय डी टी, दैट इज चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हम उसको कैसे लिखेंगे, ई एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, फाइ टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। सो फाइ टू हमने क्या लिया था, यहां पर ये वाली वैल्यू ली थी फाइव एम, उस समय टी क्या था, टी बाय फोर। फाइव वन हमने क्या लिया, जीरो, उस समय टी क्या था, जीरो। वही वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो फाइव एम माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टी फोर माइनस जीरो। इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो आता है फोर फाइव एम अपॉन टी। ठीक है, इसी को यदि हम और आगे सॉल्व करें तो ई एवरेज इज इक्वल टू फोर फाइव एम एफ। ये कहां से है, बिकॉज वी नो दैट वन बाय टी इज इक्वल टू एफ। क्लियर है, वन अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये जो वन बाय टी था उसके जगह पे हमने रख दिया एफ, तो क्या निकल गया, ई एवरेज इज इक्वल टू फोर फाइव एम एफ। दिस इज एवरेज ई एम एफ ऑफ वन टर्न। ओके, ये वन टर्न का है। अब हम जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। फॉर साइन वेव फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है 1.11। तो हम इसी फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे,
फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस ईएमएफ डिवाइडेड बाय एवरेज ईएमएफ फॉर वन टर्न. फॉर्म फैक्टर हमने निकाला 1.11. यहां से हम लोगों ने देखा कि फॉर्म फैक्टर जो होता है वो 1.11 होता है. अब हम लोग करते हैं आगे. 1.11 इज इक्वल टू ईएमएफ कैसा आरएमएस डिवाइडेड बाय ई एवरेज की वैल्यू यहां से हम पुट कर दें. ये जो हमने निकाला था ई एवरेज 4 5 एम एफ. ओके, इसको यहां लेकर के जाते हैं तो हमारा आ जाएगा ई आरएमएस इज इक्वल टू 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 एम मल्टीप्लाइड बाय एफ दैट इज 4.44 5 एम एफ इज इक्वल टू ई आरएमएस 4.44 5 एम एफ और यूनिट होगी उसकी वोल्ट्स पर टर्न क्योंकि हमने एक टर्न के लिए निकाला है. ओके, तो ये हमारी एक ईएमएफ इक्वेशन आ रही है फॉर वन टर्न ओके. सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट ईएमएफ फॉर प्राइमरी सो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे. हमने शुरू में अज्यूम किया था प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स n1 है. n1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी n2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. तो प्राइमरी के टर्न्स कितने जाएंगे एक टर्न का ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स. सो ये हो जाएगा ईएमएफ ऑफ वन टर्न मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स. तो ये हो जाएगा 4.44 5 एम एफ n1 और इसको हम लिखेंगे e1. सिमिलरली e2 मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी ये हो जाएगा 4.44 5 एम एफ n2 और इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट्स. इसकी भी यूनिट हो जाएगी वोल्ट्स. सो फ्रेंड्स, ये था ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वो निकाला और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वो कैलकुलेट करके देखा है. सो होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा. इसका डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अगली क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू.